तुम्हें करो, तुम हाथ से नहीं मुंह से तक उड़ाओगी चप्पल। तुम हमारी हिम्मत कैसे हुई बात करने की ऐसी? बड़े पदों पर पहुंचने के बाद कुछ लोग शब्दों की मर्यादा को भूल जाते हैं और अपने छोटे कर्मचारियों के साथ इस कदर से पेश आते हैं कि जैसे वह इंसान ही ना हो। छोटे कर्मचारियों को बोलते बोलते कुछ भी बोल जाते हैं और शब्दों की मर्यादा भूल जाते हैं। एक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के रीवा से सामने आया है, जहाँ संजय गांधी अस्पताल से एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको देखने के बाद और सुनने के बाद साफ तौर पर यह पता चलता है कि अपने बड़े पद पर पहुंच जाने के बाद एक महिला कर्मचारी किस तरह से गुमान है कि वह छोटे कर्मचारी को बोलते बोलते कुछ भी बोल गई, और बोलने के बाद वह साफ तौर पर बोली है कि तुम छोटे कर्मचारी हो, तुमसे हम कुछ भी करवा सकते हैं। वीडियो को किसी के द्वारा बनाया गया और वीडियो को सोशल मीडिया पर भी डाल दिया गया है, जो कि अब जमकर वायरल हो रहा है। वहीं इस बात की जानकारी जब अन्य सुरक्षा कर्मचारियों को हुई तो सुरक्षा कर्मचारी हड़ताल पर पहुंच गए, और सुरक्षा कर्मचारियों के द्वारा साफ तौर पर यह मांग की जा रही है कि जब तक उस महिला कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा तब तक वह लोग काम पर वापस नहीं आएंगे। चप्पल हम अपने हाथ से, अरे तुम हटाओगी अभी, तुम हाथ से नहीं मुंह से उठाओगी चप्पल, ठीक है? मैं तुम्हें करूँ, तुम हाथ से नहीं मुंह से तक उठाओगी चप्पल। तुम हमारी हिम्मत कैसे हुई बात करने की ऐसी? हम चप्पल उठाएंगे जी मैडम। आप सुपरवाइजर मैडम एसपी नहीं है, आप मैडम एक गार्ड है, आपका काम है सुविधा व्यवस्था रखना। मैडम आपने अपनी ड्यूटी नहीं पता है तो बचानी चाहिए। ये हटाना, भीड़ हटाना हमारा काम है। किसने कहा तुम्हें? किसने कहा तुम्हें? किसने ये हटाना व्यवस्थित रखवाना तुम्हारा काम है। चप्पल हटाना तो मुझसे रुक जाओ, तुम चप्पल हटाना है तुम्हारा काम की मैडम। नमस्कार, संपर्क खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय तिवारी, और अभी आपने जो वीडियो देखा यह रीवा के संजय गांधी अस्पताल का वीडियो है। वीडियो में जो बड़े पद पर बैठी महिला कर्मचारी दिखाई दे रही हैं, यह दर्शन हाइट कंपनी की महिला कर्मचारी अर्चना शुक्ला है, और जिसे सामने फटकार लगाया जा रहा है उनका नाम रानी पासी है। इन दोनों के बीच में आपसी विवाद हुआ पहले, और आपसी कहा सुनी होने के बाद अर्चना शुक्ला के द्वारा चप्पल उठाने की बात रानी पासी से बोली गई। रानी पासी के द्वारा चप्पल उठाने से मना कर दिया गया, जिसके बाद अर्चना शुक्ला के द्वारा बोला गया कि चप्पल उठाओगी कैसे नहीं, चप्पल तो मैं मुंह से उठवा लूंगी और उठाना पड़ेगा। जिसके बाद मामला वहां पर गर्मा गया और वाद विवाद दोनों में बढ़ता चला गया। वहीं फिर महिला कर्मचारी अर्चना शुक्ला के द्वारा अपने एक जूनियर कर्मचारी को बुलाया गया और यह बोला गया कि इसको 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। सस्पेंड होने के बाद नोटिस दिया गया, नोटिस होने के बाद रानी पासी जो हैं यह महिला सुरक्षा कर्मचारी हैं, इनके द्वारा अपने संघ में पूरी बात बताई गई, और जब बात संघ में पहुंची तब सुरक्षा कर्मचारियों में अर्चना शुक्ला के खिलाफ पहले से ही आक्रोश था। आक्रोश इसलिए था कि सुरक्षा कर्मचारियों के द्वारा साफ तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि अर्चना शुक्ला के द्वारा पहले भी बदतमीजी की जाती थी और तानाशाही रवैये से पेश आया जाता था। वह छोटे कर्मचारियों को इंसानों में नहीं गिनती हैं, इंसानों में छोटे कर्मचारियों की तुलना नहीं है। जिसको जो मन पड़ेगा वह बोल देंगी, और जिससे जो करवाना होगा वह करवाती रहेंगी। अभी आप वीडियो में भी देखी हैं कि किस तरह से वह रानी पासी पर हावी होती चली जा रही थी। मानवता तो कहीं पर बची ही नहीं है, और वो भी संजय गांधी अस्पताल में ऐसा काम हो रहा था जिसका वीडियो सामने आ चुका है। जब यह बात पूरे सुरक्षा कर्मचारियों को पता चली तब आज सुबह से ही सुरक्षा कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, और इनके सुरक्षा कर्मचारियों के द्वारा यह मांग की जाने लगी कि जब तक अर्चना शुक्ला को नहीं हटाया जाएगा तब तक वह काम पर वापस नहीं आएंगे। वहीं इस बात की जानकारी ही जैसे ही संजय गांधी के डीन को लगी, डीन तत्काल सुरक्षा कर्मचारियों को मनाने पहुंच गए। अब डीन के बीच और सुरक्षा कर्मचारियों के बीच बात चल रही है, बात अभी कहां तक बनी यह तो सामने अभी नहीं आया है। अभी सुरक्षा कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, जो आगे अपडेट रहेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से रीवा के संजय गांधी से
यह वीडियो सामने आया है और सुरक्षा कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से बड़े पदों में पहुंचने के बाद और शुक्ला जी के द्वारा ऐसा कार्य किया जा रहा था, ये गलत है। अर्चना शुक्ला एक बड़े पद पर हैं और एक समझदार कर्मचारी हैं, बावजूद इसके उनके द्वारा एक छोटे कर्मचारी को इस तरह से जो शब्द बोले जा रहे थे, यह पूरी तरह से गलत है। क्योंकि कर्मचारी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आप अधिकारी हैं तो अपने तक रहिए, कर्मचारियों के साथ ऐसा कोई भी व्यवहार ना करिए जो उन्हें पसंद ना आए, क्योंकि वह आपसे छोटे कर्मचारी जरूर हो सकते हैं लेकिन वह भी इंसान ही हैं और आप भी इंसान ही हो, तो कहीं ना कहीं इंसानियत दिखाइए, ऐसा ना करिए। वो भी संजय गांधी अस्पताल में बैठकर, वहां पर डॉक्टर बैठते हैं और डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, लेकिन जब आप जैसे लोगों के ऐसे वीडियो सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा भी डॉक्टरों से उठेगा कि जब यह लोग अपने कर्मचारियों के साथ सही व्यवहार नहीं रख सकते और इनके साथ सही से पेश नहीं आ सकते तो फिर मरीजों के साथ कैसे आते होंगे। यह साफ तौर पर समझने वाली बात है और जिस तरह से संजय गांधी अस्पताल से ये वीडियो सामने आया है, कहीं ना कहीं ये गलत है और इस पर शासन और प्रशासन दोनों को कार्यवाही करनी चाहिए और ऐसे कर्मचारी एवं अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। इन्हें पता चलना चाहिए कि यह अस्पताल में है और अस्पताल में मरीज भी आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कल मेरी ड्यूटी वहाँ गायनी आईसीयू में लगी थी तो ये अर्चना मैडम गई, अर्चना शुक्ला ये गई कि तुम ये चप्पल कैसे बिखरी है, तो हम बोले मैडम सीरियस पेशेंट है यहाँ पे तो जल्दी जल्दी में उतार के चले जाते हैं, तो कहती हैं उठाओ चप्पल और गेट के बाहर फेंक दो, तो हम बोले मैडम कोई लपट के हमको अगर मारेगा तो कौन बचाएगा, तो बोले जब डरती है तो गार्ड की नौकरी क्यों कर रही हो, तो हम बोले मैडम परेशान आते हैं सब, अगर हम चप्पल फेंकेंगे गरीब आते हैं उनको कौन देगा पैसा, कहती तुम चप्पल अपने हाथ से उठाओ और इस स्टैंड में रखो, तो हम बोले मैडम हम चप्पल हाथ से उठा के नहीं रखेंगे, तो कहती हाथ तुम मुंह से चप्पल उठाओगी और अभी उठा के तुम रखो मुंह से चप्पल, हम नहीं रखे हैं, तो सीधे शिकायत करी सीएसओ सर से, सीएसओ सर को बोली कि इसको तुरंत हटाओ यहाँ से और 15 दिन के लिए बैठाओ, हमसे बदतमीजी करी, और सर अच्छा हुआ कि मैं वीडियो बना ली थी, वो वीडियो हमारे पास है। ये हमेशा हम लोग को ऐसे ही करती रहती है, कहीं किसी के लिए अगर वॉशरूम हम बिना बताए चले गए हैं आके वार्निंग देगी, अभी 2 महीने पहले हमारा ट्रांसफर करवा दी थी सिर्फ इसी के वजह से, बाकी हमारा कोई गलती नहीं है। ये हमेशा अनपढ़ गवार कहीं कुछ बोलती रहती है, हमेशा बोलती रहती है। अर्चना शुक्ला नाम है, हम चाहते हैं कि ये मीडिया के सामने हमसे आके माफी मांगे और ऐसे अधिकारी हमको नहीं चाहिए, इसको यहाँ से हटाया जाए। इसकी शिकायत आपने डीन से की है? डीन सर से नहीं की है, हम सीएसओ से किए हैं, अपने सुपरवाइजर से किए हैं, तो वो बोले हम डीन साहब को और ऊपर हम लोगों को परमिशन नहीं है, डायरेक्ट हम लोग नहीं जा सकते। ये 2 नंबर में बैठती हैं, अर्चना शुक्ला नाम है इनका, रानी पासी नाम है मेरा। कारियां रूल बस निकालने के लिए हैं कि ये रूल करो वो रूल करो वो करो, पर आज अभी 14 तारीख हो गई, मेरी बस नहीं, सारे लेडीज और जेंट्स गार्डों के अभी सैलरी नहीं आई है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है, और दो कम से कम ये 8-10 महीने से सैलरी लेट पे लेट ही आ रही है, सारे लोग और सब लोग परेशान हैं, यहाँ सब किराए से रह रहे हैं, किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी के कुछ पढ़ रहे हैं, और ठीक है इतनी छोटी सी जॉब के लिए हमें 2-2.5 महीने के लिए ग्वालियर के लिए ट्रांसफ़र भी किया गया था, मेरे को रानी पासी को जो अभी आपको बताई है सब कुछ उसको, फिर इसके बाद हम हाथ पैर हर जगह जोड़े हैं, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी, ना अधीन सुने हमारे, ना अधीक्षक सुने, ना हमारे कोई अधिकारी सुने, यहाँ तक ना सीएसओ सुने, ना एसओ, ना सुपरवाइजर, कोई नहीं सुना है, फिर सब इस बात को दबाने के लिए कोशिश किए गए थे, लेकिन हम फिर कोर्ट का चली गए, वहाँ से हमें न्याय मिला, हमें ड्यूटी मिली, क्योंकि हम गलत नहीं थे इसलिए हमें ड्यूटी मिली, वरना हमें पता था कि हमें यहाँ ड्यूटी नहीं मिले, नहीं मिली जाएगी, और कोई भी साथ उस टाइम पे हमें नहीं दिया, और आज फिर वही कल वही चीज़ हुई है, हमें ये चीज़ रियलाइज करा दिया जाता है कि हम 2% की नौकरी कर रहे हैं, हमारी यही वैल्यू है, ये वैल्यू नहीं मजबूरी पे यहाँ आके किया जाए, नहीं तो ये वैल्यू नहीं, एक लेडीज़ हो के लेडीज़ के बारे में गलत बोले, शोभा नहीं दे रहा उन्हें सर। अरे हमारे ना हमें खाने के लिए कहीं व्यवस्था है ना, कहीं बैठने के बैठ भी जाओ तो उसमें हमारे लोग के वार्निंग भरवाए जाते हैं, ठीक ना, वॉशरूम जाओ तो बता के जाओ, ना बता के जाओ तो उसमें वार्निंग करवाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ हो रही, डॉक्टर अपने तरफ से है, अधिकारी अपने तरफ से है, और आप सारे
सारे अधिकारियों के सामने आप ये सारी चीज़ें बोल रहे, अटेंडरों के सामने चीज़ें बोल रहे, जब आप हमारी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो हम अटेंडर हमारी कहाँ से करे, और आपके नीचे हम ड्यूटी कर रहे हैं तो आपका फ़र्ज बनता है कि हमें हमें उस तरह की इज्जत दिलाना, ना कि हमें बेइज्जती करना सर। और अभी सेकंड फ्लोर में राम बोहर सुपरवाइजर वो गए थे, उनको बुलवा के बोल रही थी कि वो क्या तुम्हारे सभी लोग वो तुम उनके बता रहे हो क्या कि मतलब तुम उनका फेवर ले रहे हो, ये कोई शब्द है उनके, वो अर्चना शुक्ला ही बोल रही थी, ये कोई उनके तरीके नहीं है बोलने के, ठीक है ना। मेरा नाम दीक्षा मिश्रा है, बोहर कोल है, मैं यहाँ पे गार्ड सुपरवाइजर हूँ। दरअसल क्या है कि हमारी ड्यूटी जनरल शिफ्ट में दो दिन के लिए बाहर से टीम आई है भोपाल से विजिट के लिए, तो हमको जनरल शिफ्ट में लगाया गया। ये रानी पासी जो है तो इसकी ड्यूटी एंटीनेटर में थी, एंटीनेटर आईसीयू में, गायनी आईसीयू बोला जाता है। तो वहाँ पे क्या है कि अब इनका उनका मैडम का क्या बात हुआ, हम तो थे नहीं हम लोग, पर हम CSO साहब के साथ में थे, जो हमारे CSO साहब तेजपाल सिंह हैं, तो उनके साथ में थे। साहब बोले कि राम बोहर चलो वहाँ पे कुछ लफड़ा होगा एंटीनेटर आईसीयू में, तो हम साहब के साथ दौड़ते हुए गए। तो मैडम जो है अर्चना शुक्ला जी जो हैं, तो रानी पासी को हम लोगों के सामने CSO साहब थे, हम थे, कमल मैडम थी, तो वो बोल रही थी कि मतलब हम चाहेंगे, हम अधिकारी हैं, तुम गार्ड हो, हम चाहेंगे तो मुँह से भी चप्पल उठवाएँगे। तो ये हमारे हिसाब से गलत है, जो कि ठीक है हम लोग गार्ड में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारी कोई इज्जत नहीं है। और फिर सीनियर वो अधिकारी हैं तो उनको भी अपनी मर्यादा का ख्याल रख के बात करना चाहिए, सबकी एक अपनी मर्यादा है। फिर उस दिन का मैटर जो है तो सुलझा, इसके बाद हम और हमारे गार्ड केश कुमार चौरसिया, आशीष वर्मा जो है, तो CSO साहब बोले कि जाओ थोड़ा आज विजिट यहाँ भी होना है तो भीड़ भाड़ ना हो, थोड़ा राउंड करते रहना। तो हम लोग माइक लेके दो गार्ड के साथ में, तो वहाँ पे अर्चना शुक्ला मैडम हमको देखी दो नंबर पे, तो बुला के ऑफिस में हमको बोल रही थी कि आप लोग गार्ड का फेवर लेते हो तो क्या आप उनके भताल लगते हो, जो कि ये अशोभनीय है। ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों की इस तरह शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमारे हिसाब से गलत है। हम लोग चाहते हैं कि ऐसे अधिकारी नहीं होना चाहिए संस्था में, सबकी एक अपनी मर्यादा होती है। गार्ड हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि इनका कोई इज्जत नहीं है, सभी एक पढ़े लिखे समाजी हैं। आज बेरोजगारी इसलिए मजबूरी में सभी लोग गार्ड की ड्यूटी कर रहे हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, एक सक्षम घर से हैं, ऐसा नहीं है। पर वरिष्ठ अधिकारी को इन गार्ड के ऊपर मतलब इस तरह से व्यवहार गलत है।